दोस्तों अपना एचपी का लैपटॉप था, ख़राब हो गया है, तो हम लोग आ गए हैं जामनगर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तीन बत्ती वाला एरिया है जहाँ पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर वाले मिल जाएंगे। लेकिन आज हम लोग जो स्पेशली आए हैं वो आए हैं क्लासिक कंप्यूटर्स पे। ये वो दुकान है जो आपको इस एरिया में मिल जाएगी। ये सामने में तीन बत्ती का एरिया है, इसके सामने में ये क्लासिक कंप्यूटर्स है। तो काफ़ी नाम सुना है इनका कि इनके यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उनको वाजिब दाम पे तो करने को मिलता ही है, लैपटॉप आपको बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पे मिल जाता है। लेकिन इनका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर है इस चीज़ के लिए कि ये कोई भी चीज़ में धोखाधड़ी नहीं होती। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं दूसरी जगह आएँ, जस्ट फैमिली की तरह हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं अंदर और पूछते हैं अपने लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों आ गए हैं अभी हम लोग क्लासिक कंप्यूटर्स में, तो मिलते हैं सर से। सर, अपने बच्चे का एक लैपटॉप है एचपी का, वो ख़राब हो गया है, तो थोड़ा आपको दिखाना था। तो ये लैपटॉप है सर, इसमें फ़ैन चलना बंद हो गया है। मतलब बच्चा जो है वो क्लासेस करता है तो उसका बेचारे का फ़ैन जो है वो लैपटॉप का बंद हो गया, तब से एक एरर भी आ रहा है इसके अंदर। तो आई होप कि ये आपके यहाँ ठीक हो पाएगा क्या? हो जाएगा। ओके। मतलब इसमें दो तरीके है कि अभी जनरल इसमें दो तरीके से हम काम कर सकते हैं जी। एक तो इसका फैन खराब है तो डस्टिंग की वजह से फैन हम सर्विस करके भी चालू कर सकते हैं। ओके। और सर्विस से चालू नहीं होता है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मगर ज्यादातर केस में क्या होता है कि ये फैन डस्टिंग की वजह से हैंग अप हो जाता है। अच्छा, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है, तो हम सर्विस करके चालू कर सकते हैं। तो क्या फैन रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। फैन रिप्लेस एवरी टाइम नहीं करना पड़ता है। 50-70% केस में ऐसा है कि वो सर्विस से ही चालू हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, और okay. वो उसमें आपका अमाउंट भी ज्यादा सेव हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए फैन डलवाता हूँ तो कितने का आएगा? 1200 से 1400 के बीच में आता है। ओके। और सर्विस चार्जेस कितने रहते हैं सर? सर्विस में 350 में हो जाता है सिर्फ। हाँ, 350 में हो जाएगा। और जनरल सर्विस में भी उसमें कर देंगे हम लैपटॉप का। अच्छा, मतलब वो वापस पेस्टिंग भी आप कर देंगे और ये भी कर देंगे। हाफ एन आवर में रेडी भी हो जाएगा। और दोस्तों सिर्फ 350 रुपये, मैं तो अगर मार्केट में कहीं और जाता तो मुझे उम्मीद है कि मतलब लूटपाट तो मची रहती है। वो यही बोलते हैं शायद कि आपको फ़ैन चेंज ही करा लेना चाहिए, बहुत पुराना हो गया है आपका लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने देखा इनका बिल्कुल सिंपल है तरीका, जस्ट उसको किस तरह से बच्चों के लिए ठीक करके दे सकते हैं। एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको ऐसी फैमिली वाली जगह में आके, कि जैसे आप किसी अपने ब्रदर के घर पर आए हैं और उसको जस्ट दिखाया कि बच्चे का लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो चलिए एक बार रिपेयर हो जाता है तब उसके बाद इनसे बात करेंगे। A few moments later. तो दोस्तों हाफ एन आवर हो चुका है, तो मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी कुछ ठीक होता है लैपटॉप में, बट क्योंकि भैया ने बोला था तो चलिए एक बार क्लासिक कंप्यूटर्स में फिर से चलते हैं और देखते हैं कि अपना लैपटॉप ठीक हुआ है क्या। तो दुकान तो आपको पता चल गई है, ये तीन बत्ती के पास में है बिल्कुल, और ये छोटा सा एक गली जैसा है, इसके अंदर आप अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर है, जहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर मैं दिखा देता हूँ, 9374814441। तो चलिए एक बार पूछ लेते हैं। सर हाफ एन आवर तो हो चुका है, क्या लैपटॉप रेडी है? क्या बात है, हाफ एन आवर में मतलब लैपटॉप खुला भी बंद भी किया, साफ सफाई भी हुआ, ग्रेट ग्रेट। तो एक बार चालू करके भी देख लेते हैं दोस्तों कि ठीक हुआ है क्या। तो आई होप कि ये ठीक हो गया है। तो अभी ये चालू तो हो रहा है, देखते हैं वो एरर आता है कि नहीं आया। तो दोस्तों एरर भी नहीं आया है और अभी पिन तक भी आ गए हैं हम लोग। आई थिंक ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो गया। क्या प्रॉब्लम था सर इसके अंदर? जनरली सर्विसिंग से हो गया है, डस्ट वगैरह समझ जाता है, और जो लैपटॉप डस्ट था वो सब क्लीन कर दिया है जी। और जो आपका फैन है वो भी अभी रेडी हो गया है। तो अभी जैसे बच्चों के लैपटॉप होते हैं ये 3-4 साल पुराने हो जाते हैं, तो क्या 350 रुपये दे करके उसको इस तरह सर्विस करवा लेना चाहिए? अगर कंडीशन अच्छी हो लैपटॉप की जी तो बेशक करवा लेना चाहिए। ओके। अगर बहुत कंडीशन खराब है और मान लो कि मदरबोर्ड वगैरह में जंक लग गया है, सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर खर्चा करवाने का कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसा होता है कि लैपटॉप बहुत पुराना होता है और मदरबोर्ड वगैरह सब शॉर्ट हो गया है जी जी, तो उसमें खर्चा नहीं करवाना चाहिए। अगर नॉर्मली ऐसा सर्विसिंग का जो प्रॉब्लम हो ना तो जी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ तो मैंने देखा कंटिन्यूअस लैपटॉप आप रिपेयरिंग वगैरह चालू रखते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है जैसे बाकी लोग करते हैं कि लो 1200 रुपया ले लेता हूँ, 350 रुपये में क्यों कम में कर रहा हूँ मैं? नहीं है। सब का अलग अलग जी जी, सब अपने हिसाब से करते रहते हैं, बेटर सॉल्यूशन वही रहता है कि आपका काम हो जाए इसमें जी जी। तो मतलब हमेशा जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे क्लासिक कंप्यूटर्स में
तो हमारे पास एक भाई जैसा आदमी है जो हमें सही सलाह भी देगा और साथ ही साथ कम पैसे में भी कर देगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब भी यहाँ पर अपना लैपटॉप लेकर के आते हैं, आप भैया से आकर के मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और आई थिंक जितना भी मिनिमम टाइम और मिनिमम पैसे में होगा ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। थैंक यू।